सर्वप्रथम आह्वान करें परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, वह अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि शेरविन द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 48वें पृष्ठ की 24वीं पंक्ति पर 14वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तद अनुरूप साधना के द्रुपद पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं, कहते हैं महायोगी। और थ्रू द अर्थली कवरिंग समथिंग ब्रेक्स ए ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइट द मर्मरिंग टंग ऑफ अ सेलेस्टियल फायर आवर सेल्फ एंड ए हाई स्ट्रेंजर whom we feel it is and acts unseen as if it were not. It follows the line of sempiternal birth, yet seems to perish with its mortal frame. Puruke भाव को कुछ अपने साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मानव के नश्वर सत्ता स्तरों में अचानक बिन बुलाए मेहमान के भांति शाश्वत सत्य दिव्य किरण अवतरणों उपरांत मानव अंतरात्मा की सत्ता पर पड़े अचित असत अज्ञान अंधकार आवरणों को तोड़ फोड़ कर चीर कर अहम रहित अवस्था में जिसकी अनजानी तैयारी पूर्व के काल से अनजाने में ही होती चली आ रही थी, कोई दिव्यताधारी वस्तु हमारी आत्मा एवं अभिव्यक्ति में आए अंतरात्म पुरुष के माध्यम से अवतरित हुए आध्यात्मिक प्रकाश की देदीप्यमान शोभापूर्ण कृपा और सुंदरता सत्ता के समस्त स्तरों में भागवत संकल्प सिद्धि में आए अवरोध को पार पा जाने हेतु संपूर्ण सत्ता पर छा जाती है और व्यष्टि को समष्टिगत साक्षात्कार शाश्वत एकत्व से मदहोश बनाकर उसकी सत्ता के स्तरों से फूट फूट कर अवतरित हुई दिव्यता जगत और जागतिक चेतना में प्रवाहमान होने लगती है। तब अंतर में अवतरित हुई अधिक उन्नतर शाश्वतता से उदित एक परास्वर्गीय दिव्य चेतना की अग्निवाचा की मादक मधुर दिव्य गुनगुनाहट समस्त सत्ता स्तरों से प्रतिध्वनित होकर समूचे ब्रह्मांड पर छा जाती है। इस प्रकार भागवत संकल्प सिद्धि हेतु अवतरित दिव्यांश चैत्य पुरुष पर पड़े सत्ता स्तरों में व्याप्त असत अचित एवं अज्ञान अंधकार के आवरणों को ब्रह्मांड अस्तित्व एवं संपूर्ण मानव जाति तोड़ फोड़ कर
क्रम विकास प्रक्रिया में चेतना ऊर्ध्वारोहण प्रक्रिया को अधिक बल प्रदान कर जीवन यापन करने लगती है। यह परिवर्तन केवल ऊपर से ही नहीं अपितु अंदर से भी होता है। जागृत चैत्य पुरुष सशक्त अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया हेतु अनवरत अभीप्सा करते हुए ईश्वरी प्रकाश सौंदर्य और सुसामंजस्यता की मांग करते हुए मानव चेतना को उन्नत हो सकने हेतु सतत गतिशील बना रहता है। और जो जो हम जीना होता जाता है त्यों त्यों अवतरित शाश्वत किरण शक्ति प्रभाव स्पष्ट होने लगता एवं नचिकेता प्रादुर्भूत विभाव की अभिव्यक्ति की ठोस संभावना बलवती हो उठती है। काल विजय से काल रहित जीवन यापन मानव में शाश्वत का अंश जो अभिव्यक्ति में उसका असली मैं है और अवतरित हुई आत्मा परमात्मा की शाश्वत किरण की गुह्य अतिथि जिसका हम जन्म से मृत्यु तक अनुभव तो करते रहते हैं वह भी अदृष्ट बनकर सतत हमारे ही भीतर निवसित रहकर भागवत संकल्प सिद्धि प्रयास में सतत कर्म निरत बने रहता है। फिर भी मानव को ऐसी प्रतीति होती रहती है मानो हमारे भीतर उसका कोई अस्तित्व ही न हो। ऐसा हमारा तली जीवन यापन बना रहता है। तब भी गुपचुप कार्य गतिशीलता भीतर में बनी रहती है। कभी एक क्षण मात्र के लिए भी इन अंतरात्म पुरुष की गतिविधि रुकती नहीं। ये शाश्वत अंश जिन्होंने भागवत संकल्प से संकल्पित बनकर अभिव्यक्तिकरण का व्रत धारण किया है वे जन्मों की नश्वर क्रम परंपरा का जन्म मरण प्रक्रिया से गुजरने का नश्वरता वाले जीवन का सतत अनुगमन करते हैं तथा देह त्याग उपरांत अपने मर्त्याकार में मानो सदावे शाश्वत अंश हमको हमारे साथ ही मानो विनिष्ठ होते प्रतीत होते हैं। किंतु सत्य में तो वे देह त्याग उपरांत भी सतत अगले जीवन यापन हेतु देह धारण प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु क्रियाशील रहकर नवीन उमंग उत्साह से भागवत संकल्प संसिद्धि हेतु भागवत लीला प्रसंग में नव देह में पुनः जन्म लेकर भागवत लक्ष्य संसिद्धि प्रयास में जुट जाते हैं। आज हम इस सारगर्भित विषय को यही विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं
ताकि जब जब साधना के ध्रुव पर हमें ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुव पथ पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ पलों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।